वैसे तो सुजानपुर के अंदर प्रचार प्रसार ने अपनी तेजी पकड़ ली है विधानसभा चुनावों के मद्देनजर, पर फिर भी मेरा सुजानपुर की सारी जनता से यही कहना है कि आप अपना मतदान अपने विवेक से करें और किसी भी तरह के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि ये विदित है कि हर प्रत्याशी हर तरह के हथकंडे चुनाव जीतने के लिए अपनाता है, लेकिन हम ऐसा कोई भी हथकंडा नहीं अपनाएंगे। ना तो हम किसी को शराब देंगे, ना किसी को पैसा देंगे, ना सुहागिया बांटेंगे और ना ही कोई झूठा प्रलोभन हम सुजानपुर की जनता को देंगे। हमारा सिर्फ इतना ही कहना है, यदि हम आपको ऐसी कोई भी प्रलोभन देते हैं या कोई और देता है, तो ऐसे व्यक्ति को आप चुन के लाएंगे तो आपका भविष्य कैसा होगा ये आपको खुद ही सोचना है। इसलिए बार बार मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि आप जिस भी व्यक्ति को चुने उसके चरित्र, उसके काम और उसकी काबिलियत के आधार पर चुने, ना कि किसी प्रलोभन के आधार पर। दूसरी बात, लोग हमारे से ये पूछते हैं कि आपका प्रचार प्रसार कौन करेगा, प्रचार प्रसार के लिए कहाँ से लोग आएंगे। तो मेरा उन सब लोगों को एक ही जवाब है कि लगवालती और बमसन की जनता ही हमारा प्रचार प्रसार करेगी, और इसके लिए हमें कोई बूथ एजेंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनता ही हमारा सच्चा बूथ एजेंट है।